गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम आ गए हैं अपने बजीज के पास और इनको लगी हुई है अभी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं रात को दाना और पानी दोनों ही उठा देता हूं। तो अभी जल्दी से हम डाल देते हैं इनको दाना और पानी और फिर उसके बाद जाएंगे अपने पौधों के पास। हमारी जो फिंचेज हैं ये भी पेयर लग चुका है और जो इनके लिए हमने ग्रीन हाउस बनाया था इनका, उसके अंदर इन्होंने अपना सेटअप बना लिया है और वो भी चेक करते हैं कि कैसा है। और ये देखें वो जो नीचे मैंने वो ब्लैक कलर की गलासी रखी है, उसके अंदर भी मैंने कुछ पौधे रख दिए थे, मट्टी रख दी थी ताकि ये जो ना मट्टी भी खाते हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉकटेल्स हैं, इनको भी हम अभी दाना डाल देते हैं। चलो जल्दी से इनको दाना और पानी डालते हैं। फिंचेस को भी दाना और पानी दे दें। यार इनको दाना और पानी देकर हम फ्री हो चुके हैं। अभी हम निकाल लेते हैं मुर्गी को अपनी को, क्योंकि कल उसे नहीं था निकाला। अभी उसे अंडा से उठाते हैं और उसे निकाल कर दाना और पानी दे देते हैं ताकि वो भी खा पी ले, थोड़ा सा घूम ले, थोड़ी सी अपनी वेस्ट कर ले, ठीक है। तो उसको फिर वापस अंडों पर बिठा देंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे अपने पौधों को पानी, और पानी डालने के बाद हम चलेंगे अपने पेयर के पास। फ्रेंड्स ये देखें हमारी मुर्गी बैठी है बहुत सुकून से, और इसे कुछ भी भूख और पानी से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली एक माँ का रुतबा बहुत बड़ा होता है यार, दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा माँ का है, वालदैन का है। तो आप देखेंगे यार छोटा सा दिमाग है इसके अंदर, इस जानवर के अंदर, और इसे अपने आने वाले बच्चों से कितनी मोहब्बत है। जब वो आ जाएंगे तो फिर उससे मोहब्बत ज़्यादा होगी, उनकी केयर करेगी, उनको आसपास के परिंदों से जानवरों से बचाएगी, लड़ेगी उनके लिए, फाइट करेगी जब तक वो ख़ुद के बलबूते तक नहीं पहुंच जाते। तो अभी चलते हैं इसको उठाते हैं। चल भाई आ रहा हूँ। बदतमीज़ कुछ नहीं खाना, आगे से बकवास करती है। क्या फिर उठ, तू ही होएगी। ये अपने आप ही बाज देख कह दिया कर। चल बाहर बस, चल बाहर चल भाई, बाहर हो जा। हाँ जी, तो गाइज हमने बाहर से खुडे का दरवाज़ा बंद कर दिया और ये देखें अभी हम इसको दाना देते हैं। चलो जी, दीवार होवे तो साड़ी कुकड़ी होवे, इसे अब लेके चलते हैं धूप में। धूप में थोड़ी देर रखते हैं, ठीक है। धूप इनके लिए बहुत अच्छी होती है, और अभी के लिए धूप तो अच्छी है क्योंकि गर्मियों की धूप नहीं अच्छी होती। इस मौसम की धूप लगवा सकते हैं जानवरों को।
गाइस यार हमने अपनी मुर्गी को दाना और पानी वगैरह दे दिया, ये खा रही है, और जब तक ये खा रही है तब तक हम क्या करते हैं कि अपने पौधों को भी पानी लगा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम अपने पेयर के पास। आगे हैं हम अपने पैर के पास और आज हमारी मुर्गी के 5 अंडे हो गए हैं और ये देखें अभी इनको दाना और पानी वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। और ये मुर्गा गर्दन से और इसकी जो कमर है वहाँ से ये कुरीच कर रहा है, पर नए निकाल रहा है क्योंकि हमारी जो पहले वाली मुर्गी थी उसने इसके पर वगैरह खा लिए थे। और बहुत ही जल्दी ये भी मुर्गी पूरे अंडे कर जाएगी और फिर इसको भी हम अंडों पर बिठा देंगे। और ये मीठा मीठा सा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी है, और इन दिनों में ही हमारे जो है ना दोनों मुर्गियों के चिक्स भी निकल आएंगे, ठीक है। तीसरे महीने की एंड तक जो है ना हमारी दोनों मुर्गियों के चिक्स निकल आएंगे। जैसे ही इसके भी अंडे पूरे हो जाते हैं इसको भी हम बिठा देंगे। अभी इनको डाल लेते हैं हम दाना और पानी। खाओ पियो जिंदगी जियो। तो यार फ्रेंड्स हमारे जो मुर्गा और मुर्गी हैं ये दाना वगैरह खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल आपका भाई मिस्टर गुरु डेली व्लॉग्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो का और व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। खुदा हाफिज।